हाँ दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल अरहान एंटरटेनमेंट। मैं हूँ राशि चक्र। तो देखिए, मैं चाहता तो इसके ट्रेलर का रिएक्शन वीडियो बना सकता था, लेकिन मैं इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि ये उन ट्रेलर में से एक है जो बॉलीवुड के लिए अब तक का सबसे बड़ा ट्रेलर है, यानी कि 4 मिनट से भी ज्यादा का ट्रेलर है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इस ट्रेलर को देख के पूरी की पूरी कहानी आपको समझ में आती है, और इस बार बॉलीवुड ने आपको निराश नहीं किया, एटलीस्ट कहानी के मामले में। और बात अगर रोहित शेट्टी की करें और इस यूनिवर्स की, यानी कॉप यूनिवर्स की, तो सबसे पहले इस फिल्म आई थी सिंघम, और सिंघम मैं तो बोलता हूँ उन फिल्मों में से जिसे देखने का जो मजा था वो अलग था। हालांकि वो रीमेक थी, उसके अलावा फिर सिम्बा आई, वो भी रीमेक थी, लेकिन जिस तरीके से रोहित शेट्टी ने डायरेक्ट किया था वो एक अलग ही बात थी। और रोहित शेट्टी जाने ही जाते हैं मास ऑडियंस के लिए। देखिए, यहाँ पर इस चैनल का जो मेन मकसद है वो इन जैसी फिल्मों को ही प्रमोट करना, जिसमें वाकई में लोगों के लिए बहुत कुछ होता है। और फिल्में क्यों बनाई जाती, क्योंकि जो लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में परेशान है, तो कहीं पर आके आराम से रिलैक्स होकर एंजॉय कर सकते हो, अपनी जिंदगी सारे तनाव सारी चीजों को भुला के कुछ अच्छे चीज दे सके। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था बॉलीवुड के साथ, एक चीज जो हो रही थी वो थी कि या तो बॉलीवुड रीमेक कर रहा था, या तो अगर बॉलीवुड खुद से कुछ कहानी बना रहा था तो इतनी चूतिया बनती वाली बना रहा था जिसमें कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन यहाँ पर तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने ट्रेलर को बहुत ही बारीकी से देखा, इतना समझ में आता है कि इस बार बॉलीवुड ने कुछ कहानी के मामले में कुछ लिखा है भाई, जहां पर आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और उसके अलावा जिस तरीके से जो कॉप का यूनिवर्स जो रोहित शेट्टी आगे बढ़ा रहे, मतलब बहुत सही तरह से बढ़ा रहे, यहाँ पर आपको बेमतलब की कुछ भी फालतू चीजें देखने को नहीं मिलेगी। और एक ऐसी चीज जिसका मैं खुद तारीफ करूंगा वो ये है कि देखिए, बहुत से लोगों के माइंड में ना मुसलमानों को लेकर ना बहुत ही नेगेटिविटी है, या सोचते कि कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन वाला ही टेररिस्ट होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। टेररिस्ट का कोई रिलीजन नहीं होता है। तो रोहित शेट्टी और उनकी टीम ने जो इस फिल्म में जो एक अच्छा मैसेज दिया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये तो आप फिल्म रिलीज होगी तब आप समझ जाओगे, फिलहाल ट्रेलर देखकर मैं इतना समझ सकता हूँ कि फाइनली कोई तो फिल्म मेकर ऐसा है जो बता रहा है कि जो टेररिस्ट होते हैं उनका कोई रिलीजन नहीं होता। तो जो लोगों की जो गलत सोच है वो काफी हद तक इस फिल्म से बदलने वाली है। और इस फिल्म में आपको सिर्फ अक्षय कुमार ही नहीं बल्कि आपको रणवीर सिंह और अजय देवगन सर भी देखने को मिलेंगे, और अजय देवगन सर का पर्सनली मैं बहुत बड़ा फैन हूं, और उनकी मैं तो बोलता एक वही एकमात्र एक्टर है 2020 की जिनकी एक फिल्म हिट हुई है, और वो फिल्म सिर्फ बॉक्स ऑफिस पे ही नहीं, वो लोगों के दिल में भी हिट हुई है। और तानाजी बहुत जबरदस्त फिल्म थी, उसमें सैफ अली खान सर का भी बहुत जबरदस्त काम था। फिलहाल तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर बॉलीवुड की कोई डूबती नैया को बचा पाएगा तो वो है सूर्यवंशी फिल्म, क्योंकि सूर्यवंशी में सिर्फ बड़े बड़े एक्टर्स ही नहीं, इसमें आपको बहुत ज्यादा सपोर्टिंग एक्टर्स भी देखने को मिलेंगे, लेकिन सबसे ऊपर होता है वो होती कहानी। और सच बता रहा हूं, 4 मिनट के ट्रेलर में आपको पूरी की पूरी फिल्म की कहानी एक हिसाब से समझ में आ जाएगी कहानी क्या। और मैं इतना ही बोल सकता हूं कि जो कहानी पे ये फिल्म बनी ना, डेफिनेटली ये लोगों को पसंद आएगी। और टेररिस्ट के ऊपर जो बनाई गई फिल्म बहुत हमने भी देख चुके, लेकिन यहाँ पर जो अलग है वो ये है कि इसको डायरेक्ट रोहित शेट्टी कर रहे हैं, प्लस रोहित शेट्टी की जिस तरह से फिल्में होती है वो मास ऑडियंस को पसंद आती है। और मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि देखिए, अगर मैं चाहूँ ना तो पूरा ट्रेलर का ब्रेक डाउन कर सकता हूँ और पूरी की पूरी कहानी आपको समझा दूंगा, जो कि मैं यहाँ पर मैं आपको पता कि हमारे चैनल का मेन मकसद ये है कि कहानी कहीं से भी पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि आदमी पिक्चर देखते आता है जब उसको कहानी नहीं पता होती तो ज्यादा मजा आता है, कहानी पता चल जाएगी तो जो एक्साइटमेंट है वो खत्म हो जाएगा। हालांकि मेकर्स लोगों ने जो इनके जो त्रुप के इक्के, जैसे कि रणवीर सिंह और अजय देवगन को उन्होंने ट्रेलर में बता दिया, तो जो सस्पेंस होना चाहिए था वो सस्पेंस है नहीं। हालांकि आप लोग बोलोगे कि भाई सिम्बा मूवी में ऑलरेडी पता चल चुका था कि अक्षय कुमार की सूर्यवंशी में आपको रणवीर सिंह और अजय देवगन देखने मिल जाएंगे, लेकिन अगर मेकर्स लोग उनको छुपाते या कुछ तो ऐसा ट्विस्ट करते ट्रेलर में तो शायद जो एक्साइटमेंट होता वो अलग लेवल का होता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रणवीर सिंह और अजय देवगन के अलावा भी हमें मूवी में बहुत कुछ ऐसे ट्विस्ट देखने को मिलेगा जो हमें 4 मिनट के ट्रेलर में देखने को नहीं मिला। फिलहाल तो बस मैं इतना ही बोलता कि सपोर्ट गुड मूवीज के तहत ये फिल्म भी आती है, और डेफिनेटली इस फिल्म का प्रमोशन हम लोग अपने अंदाज में आगे और करते रहे, क्योंकि बहुत ही ऐसी कमी फिल्में होती जिसमें बॉलीवुड की तरफ से आपको कहानी देखने को मिलती है, और ये कुछ उन्हीं फिल्मों में से एक है जहां पर आपको जबरदस्त एक्शन तो देखने को मिलेगा लेकिन एक सिंपल सी बल एक स्ट्रेट कहानी देखने को मिलेगी। और एक ऐसी बॉलीवुड की फिल्म देखने को मिलेगी जहां पर आपको बेमतलब के लव ट्रायंगल या लव रोमांटिक सीन्स देखने को नहीं मिलेंगे। हालांकि बॉलीवुड की फिल्में गाने के अलावा तो होती नहीं है, तो यहां पर भी आपको टिप टिप बरसा का रीमेक देखने को मिल जाएगा और कैटरीना कैफ और अक्षय कुमार के बीच में कुछ रोमांटिक सीन्स देखने को मिल जाएंगे। लेकिन डेफिनेटली मैं आपको गारंटी के साथ सकते हो कि इस बार रोहित शेट्टी ने पूरा का पूरा फोकस फिल्म की कहानी पे किया, और इसमें मल्टीपल विलन से, यहां पे एक दो विलन नहीं है, मल्टीपल विलन देखने को मिलेंगे। तो आप लोग उसे डेफिनेटली कह सकते हो कि ये एवेंजर तो नहीं है, मगर हाँ
हमारे इंडिया के तरफ से एक ऐसी फिल्म है जिसमें बहुत सारे इंडियंस को प्राउड होगा, क्योंकि फाइनली एक हमारे पास भी पर्सनल अपना कहने को एक यूनिवर्स है जिसके बारे में भी हम लोग किसी को बता सकते हैं कि हमारे पास कॉप का यूनिवर्स है। और देखना है कि अब इस कॉप के यूनिवर्स को रोहित शेट्टी किस तरह से बढ़ाते हैं। फिलहाल तो ऐसे रूमर से आ रही है कि अगले हमें कॉप के यूनिवर्स में एक लेडी पुलिस वाली नजर आने वाली है। अब वो लेडी पुलिस वाली कौन होगी वो तो आने वाला कल ही बताएगा। फिलहाल तो सूर्यवंशी हम लोग मार्च में यानी कि इसी मंथ में देखने वाले, तो बस आप लोग कितना एक्साइटेड हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो में क्या कुछ अच्छा लगा, क्या कुछ बुरा लगा और कुछ ज्यादा ही लगा तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है राशिद शेख और आप सब है अरहान एंटरटेनमेंट में। दिल जान दुआ में याद रखना। मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में। दिल जान बाय।